किसका शतरंज किसका मोहरा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी में इन दिनों खूब घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने यानी कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल का आरोप है कि वह सीएम केजरीवाल के घर गई तो वहां वैभव ने उन्हें खूब मारा पीटा। वहीं अब सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर काउंटर केस भी कर दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में वैभव ने भी स्वाति मालीवाल पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी वैभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि अब तक दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन उनके ही घर में महिला के साथ मारपीट होती है और अभी तक वो चुप हैं। स्वाति और आम आदमी पार्टी के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या केजरीवाल के खिलाफ मालीवाल बीजेपी का मोहरा बन गई है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आंखों से बहती ये नमकीन पानी की धारा, आह में महिला की आंख से निकलती अश्रुओं की एक एक बूंद का गिर जाना, कयामत लाता है कयामत। वही कयामत जो भारी पड़ी थी रावण पर, वही कयामत जो भारी पड़ी कौरवों पर, और वर्तमान में वही कयामत जो भारी पड़ रही है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी में इन दिनों खूब घमासान मचा हुआ है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल का आरोप है कि वह सीएम केजरीवाल के घर गई तो वहां वैभव ने उन्हें खूब मारा पीटा। वहीं अब सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर काउंटर केस कर दिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में वैभव ने भी स्वाति मालीवाल पर इल्जामों की झड़ी लगा दी है। सीएम केजरीवाल के करीबी वैभव कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत सौंपी है। इसमें विभव ने खुद को बेकसूर बताया और कहा, अब आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर ही। क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में खुद तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही स्वाति मालीवाल के पक्ष को लेकर वो पहली बार बोल रहे हैं। 13 मई को यह घटना होती है और उसके बाद से लेकर अभी तक एकदम चुप्पी। बीच में संजय सिंह आते हैं और संजय सिंह 15 तारीख को ये कहते हैं कि हाँ, उनके घर के भीतर यानी कि सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल एकदम चुप थे। लखनऊ में भी जब वो अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चुनावी सभा के समय पर, तो उस समय पर भी जब पत्रकारों ने उनसे स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने माइक अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया था, यानी कि वो तब भी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी, अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को इलाज को रोकना चाहते हैं।
हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs सबके साथ 12 बजे BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता इस ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ BJP हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी, बात तो वो करने आए थे कि स्वाति मालीवाल को लेकर वो कुछ बोलेंगे, ये उम्मीद थी पूरे देश को भी, दिल्ली को भी। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हमने अच्छे स्कूल बना दिए जी, हमने सफाई कर दी जी, हमने अच्छी शिक्षा दे दी जी, हमने अच्छा स्वास्थ्य कर दिया जी। लेकिन स्वाति मालीवाल पर भी वो सिर्फ इतना बोले कि BJP सबको जेल में डाल रही है, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया था और अब विभव कुमार को भी ले गए। यानी कि स्वाति मालीवाल के मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, वो राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर है जो अरविंद केजरीवाल अपनी बातों से इशारा कर रहे थे। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं, इसी मुद्दे पर उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रीतपाल सलूजा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर आशीष शांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं BJP के। आप दोनों का स्वागत है AMV नेटवर्क पर। प्रीतपाल जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आप सोचिएगा कि जिस मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी उस मुद्दे को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर बात करके अरविंद केजरीवाल निकल गए। स्वाति मालीवाल के साथ उनके घर के भीतर क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई या नहीं हुई, इस पर कोई पक्ष अरविंद केजरीवाल ने आज भी नहीं दिया। जबकि दो दिन पहले जबकि लखनऊ में वो थे बुधवार को, तब भी उनसे ये बात पूछी गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि अपना माइक अखिलेश यादव की तरफ कर दिया था, जैसे जवाब वो देंगे। इस मामले पर बात हो रही थी, सबकी नजरें इस बात पर थी, सबकी उम्मीदें इस बात पर थी कि अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं तो शायद स्वाति मालीवाल पर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले। जबकि आम आदमी पार्टी ने जो अपने एक्स पर पोस्ट किया था ऑफिशियल वेबसाइट से, उस पर भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्वाति मालीवाल पर अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात हुई कि हमने शिक्षा दी, हमने अच्छे स्कूल कर दिए, BJP नहीं कर सकती है, हमने फ्री बिजली दे दी, BJP नहीं दे सकती है। मामला एक महिला की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला एक महिला की अस्मिता का है, मामला एक महिला के सम्मान का है, महिला एक महिला के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी का है, तो ऐसे में जवाब उस पर देना था जो नहीं दिया गया। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, सलूजा साहब, उम्मीद सभी को यह थी कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो स्वाति मालीवाल के मामले पर कोई तो पक्ष रखेंगे, कुछ तो कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो शिक्षा अच्छी दे दी जी, ये नहीं कर सकते, हमने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया जी, ये नहीं कर सकते, हमने फ्री बिजली दे दी जी, ये नहीं कर सकते, इसीलिए विभव कुमार को जेल में डाल दिया है। क्या विभव कुमार इन्हीं मामलों में जेल में गए हैं या मामला कुछ और है? सलूजा साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सलूजा साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। डॉक्टर आशीष शांडा जी, बड़ी दुखदाई स्थिति है ये कि जब राजनेता असल मुद्दों से हटकर
कुछ रटी रटाई बातें करने लगते हैं, तो फिर क्या ये तरक्की का रास्ता निकालेंगे देश की? राणा जी, आप मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आप जनरल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे अनेक आशीष का प्यार भरा राणा जी, बड़ी विचित्र परिस्थिति है, क्योंकि अजब अलवेली पार्टी जिस तरह से अपना धीरे धीरे अस्तित्व खोती जा रही है, जिस तरह से अपनी मोरल वैल्यूज इसकी खत्म होती जा रही है, हम सब ने देखा कि कलयुग की जो चीरहरण से चरित्रहरण तक की जो गाथा आम आदमी पार्टी लिख रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। कि वो आम आदमी पार्टी के अधीन केजरीवाल है जो निर्भया केस में धरने पे बैठा करते थे, आज इसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में इनके अपने ड्राइंग रूम के अंदर इनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी इनकी अपनी राज्यसभा एमपी के साथ इतना घृणित व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, उसे लात डंडे की बरसात करते हैं, और ना तो इनके कान पे जू रेंगती है जबकि ये उसी घर में बैठे हैं, ना ही ये आज तक उसके ऊपर एक शब्द बोले जबकि आज उस बात को 5 दिन हो गए कि अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 10 गारंटी में कहते थे चाइना से अपनी जमीन वापस लाऊंगा, यानी चाइना को भी आंख दिखाऊंगा, आज अपने पर्सनल असिस्टेंट को आंख दिखाने की इस अरविंद केजरीवाल में हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि जैसे हमारे शहजाद पूनावाला कहते हैं कि इन्हीं की सभा के अंदर इन्हीं के दुशासन ने, जो कि इनका वैभव कुमार है, जिस तरह से चरित्र हरण और चीर हरण का प्रयास किया, उस दुर्योधन के सामने जो कि अरविंद केजरीवाल है और जो सारी की सारी धृतराष्ट्र अंधी होके बैठी इनकी इंडिया अलायंस है वो देख रही है, लेकिन शुक्र है इनके बीच में एक विदुर निकल के आया जो कि अधिरंजन चौधरी कम से कम 2 शब्द तो बोले, सलूजा साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सलूजा साहब, सबकी नजरें इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं तो शायद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आकर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे सारे नेताओं को जेल में डालना चाहती है और यहां तक कि मेरे पीए और विभव कुमार को भी जेल में डाल दिया। तो विभव कुमार किस मामले में गया है जेल में? वैसे तो अभी हिरासत में लिया गया। मैं अपना जवाब दे दूं, आपने पहले भी सवाल लिया था क्योंकि आपका आवाज नहीं मेरी आ पा रही थी जी। मैंने आपसे इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूं, इस समय देश के अंदर आम चुनाव चल रहे हैं, ये जो जितना भी ये मकर जाल जलाया जा रहा है, अभी आपने देखा पहले संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया और बार बार इनके वकील उससे अपोज करते रहे कि इनको जेल में रखा गया और न्यायालय ने कहा नहीं तो जेल में नहीं रह सकते, इनके तरीके खिलाफ कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी लिप्त में इन चीजों को, अब स्वाति मालीवाल के ऊपर अगर आप देखेंगे, एक छुपा हुआ बंद सा नाम था जिसको पार्टी ने पहचान दी, पार्टी ने उनको एक स्थान दिया, पार्टी ने राज्यसभा में उनको भेजा, वो महिला एक झूठे केस में, मैं व्यक्तिगत तौर पर जिसका नाम आप ले रहे जो अरविंद केजरीवाल जी के, विभव कुमार जी जो उनके निजी सचिव है, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, 2017 चुनाव में भी उनके साथ में रहा हूँ, अभी अमृतसर में भी कई चुनाव में उनके साथ में रहा हूँ, वो इतने साधारण व्यक्ति है, इतने साधारण तरीके से बात को रखते हैं, फिर भी चुकी है, न्यायालय का मामला है, FIR हो चुकी है, जांच का विषय है, इसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। ये रिपोर्ट की कॉपी है सलूजा साहब, सलूजा साहब एक मिनट, आशीष जी ये रिपोर्ट की कॉपी है सलूजा साहब स्वाति मालीवाल की, जिसमें दिया गया है कि उनके कहां कहां चोट लगी है। मैंने सब पढ़ा हूं, मैं आपको बता दूं उसके ऊपर। एक बंद कमरे के अंदर जो भी चीजें हुई और एक वीडियो भी लोगों के बीच में कल आया जिसमें साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल उनको गाली बज रही है, और आज एक वीडियो जो आपके चैनल, यानी कि आपके हिसाब से ये एम्स की रिपोर्ट झूठी है। सलूजा साहब मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं बात खत्म कर दूंगा, सलूजा जी आवाज मिल रही है मेरी? सलूजा जी
सलूजा जी, सलूजा जी, सलूजा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है सलूजा जी को, एक बार टेक्निकल टीम देखिएगा, मिल रही है ना आवाज सलूजा जी? क्या ये एम्स की रिपोर्ट, क्या ये एम्स की रिपोर्ट झूठी है? हाँ या ना? मैंने क्या कहा, मैंने एक शब्द में आपसे बात कहा कि वो जब 14 तारीख को निकल रही है उस वीडियो में सही तरीके से, सही ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा बाहर निकाली गई और चलते हुए अपनी गाड़ी पे गई है। मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट झूठी है या सच्ची है? अगर ये रिपोर्ट आई है इसलिए जांच का विषय है, कोर्ट में जाएगा, न्यायालय तय करेगा कि हम आप तय करेंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तय थोड़ी कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये रिपोर्ट सच्ची है या झूठी है। ये न्यायालय का मानना है, ये पुलिस इसको तय कर रही है, ये न्यायालय को फिर लेने दीजिए। अगर विवेक कुमार इसमें दोषी होंगे वो जेल में जाएंगे, अगर स्वाति माली माल झूठ बोलती होगी, किसके इशारे में झूठ बोल रही है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। एक महिला के साथ आप ही के सीएम साहब के घर में मारपीट होती है, ये आरोप लगते हैं, एक महिला ये आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री के घर में मारपीट हुई है, ये मुद्दा आम आदमी पार्टी को कुछ बड़ा नहीं लगता है? उन्हें बड़ा लगता है कि विभव कुमार को जेल में क्यों डाल दिया, विभव कुमार को पुलिस पकड़ कर क्यों ले गई, बड़ा लगता है कि विभव कुमार ने जो काउंटर FIR की है उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया सलूजा साहब, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन आशीष साहब। हाँ आशीष जी, हाँ ठीक है, सलूजा साहब लौटूंगा आपके पास, सलूजा साहब लौटूंगा मैं, एक बार जरा आवाज भी क्लियर कीजिएगा, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है सलूजा जी की। आशीष जी, एम्स की रिपोर्ट झूठी है, वो आरोप झूठे हैं, और कहना है कि सब कुछ आप करा रहे हैं, आपके इशारे पर हो रहा है, बीजेपी इसमें षड्यंत्र कर रही है। राणा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सलूजा जी और आम आदमी पार्टी के पास आज कोई जवाब नहीं है आपके एक भी सवाल का, क्योंकि जब उनके सरगना, जब उनके सरताज, जब ये सारी कटौतियों को चलाने वाले वो रिंग मास्टर के पास कोई जवाब नहीं है, वो 5 दिन में एक शब्द नहीं बोल सके, तो सलूजा साहब बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो धर्म संकट में है। दूसरी बात, आप ये बात समझिएगा, मैं नहीं कह रहा है इनसे कि ये कहे स्वाति मालीवाल सच्ची है, लेकिन पहले ये तो सोच लें क्या संजय सिंह सच्चे हैं? संजय सिंह जैसे बड़े नेता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ ये दुर्गंध अपराध हुआ है, ये घृणित हरकत हुई है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं और इसका संज्ञान लिया गया है खुद सीएम द्वारा और हम वैभव के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो उस समय क्या संजय सिंह को नॉलेज ही नहीं है? संजय सिंह ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, क्या पागलों वाली बात है? अच्छा चलिए एक बार हो सकता है आशीष जी, संजय सिंह को भी आपने नहीं बताया हो कि ऐसा ऐसा बोलना है। जब वैभव लोकेट किए गए लखनऊ में और उसके ऊपर टीम को चुप कराइए, अपनी बात मैं लौटूंगा सलूजा साहब आप ही के पास लौटूंगा, आप ही के पास लौटूंगा सलूजा जी, आप ही के पास लौटूंगा मैं, एक एक करके बात करेंगे सलूजा जी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, आप के पास आ रहा हूँ मैं, एक एक करके बात करेंगे सलूजा साहब, सलूजा जी, सलूजा जी, एक बार माइक डाउन करिए सलूजा जी का। हाँ बोलिए आशीष जी। राणा जी, उनके पास तर्क न होने की वजह से जो डिरेल करना है ना डिबेट को, वही एकमात्र इस समय उनके पास उपाय है। 164 में दिया गया बयान अगर ये झूठा कहते हैं तो क्या ये समझते हैं कि स्वाति मालीवाल जो कि खुद एक MP है, अगर वो झूठा बयान देती है तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है? वो भी झूठ बोल रही है, एम्स की रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है, खुद संजय सिंह भी झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जब अरविंद केजरीवाल से लखनऊ में सवाल पूछा जाता है, अगर उस समय ये सब झूठा था तो एक शब्द बोल सकते थे, माइक इधर उधर जो किसका रहे हैं, ठीक है ठीक है, सब चीजें आपने प्रत्यक्ष दूसरी बात ठीक है ठीक है। हाँ सलूजा साहब, अब मेरा सवाल सुन लीजिए ना, सलूजा जी, सलूजा जी, सलूजा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये, डिबेट है ये, सलूजा साहब, सलूजा जी, सलूजा जी सुन लीजिए ना, सलूजा जी, सलूजा जी, सलूजा जी, सलूजा जी, हाँ आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, एक मिनट आशीष जी, आशीष जी, आशीष सलूजा साहब, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है आप, ये डिबेट शो है, तो आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा, आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा, आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा, उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ना आपकी कोई चुनावी सभा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। हाँ तो सुन लीजिए ना, पहले सवाल सुनिए ना, उसके बाद ही जवाब देंगे ना आप।
आप पहले सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब देना। पहले सवाल सुन लीजिए सलूजा साहब, पहले सवाल तो सुन लीजिए ना भैया। जिसका नेता नारी वैसे गैस निकाल के चाय बनाता है, अरे महाराज कहाँ बात को लेकर जा रहे हैं आप? आपका सवाल ये मुद्दा है आज का, ये मुद्दा है आज का, ये मुद्दा है आज का, ये मुद्दा है आज का सलूजा साहब। ऐसे ही मुद्दे से भटकाते रहना, ऐसे ही मुद्दे से भटकाते रहना आप। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एम्स की रिपोर्ट झूठी, स्वाति मालीवाल झूठी, एम्स की रिपोर्ट झूठी, स्वाति मालीवाल झूठी और संजय सिंह भी झूठे, क्या तीनों लोग झूठे हैं? अरे महाराज देश तो देख ही लेगा ना, देश तो देख ही रहा है, एक ही रटा रटाया जवाब मिल जाता है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और देश देख रहा है। सवालों के जवाब दिए नहीं जा रहे आपसे, देश देख रहा है, देश ये नहीं देख रहा होगा कि आप सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, देश ये भी नहीं देख रहा होगा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, देश ये नहीं देख रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें स्वाति मालीवाल पर एक शब्द नहीं बोल पाए, देश ने ये नहीं देखा होगा। हाँ तो सुन लीजिए ना पहले आप, स्वाति मालीवाल झूठी, एम्स की रिपोर्ट झूठी, क्या संजय सिंह भी झूठे? आप सुनना नहीं चाह रहे, आप ये जानना चाह रहे कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। इसके ऊपर कल कभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने इसके ऊपर आतिशी ने बात सारी रखी कि क्या क्या हुआ था कमरे के अंदर। फिर विमल कुमार ने काउंटर में एक मेल भेजकर अपनी भी अपनी बात रखी। आज दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। स्वाति मालीवाल ये कहती है कि मुझे कमरे में उन्होंने लातों से मारा, गिरा दिया। फिर एक वीडियो चली जिसमें स्वाति माल सिक्योरिटी वालों से गाली बचते हुए अभद्रता से बात कर रही थी, वो हाथ जोड़ के कह रही थी मार जाइए। फिर एक दूसरा वीडियो आज देश में देखा कि स्वाति मालीवाल अपने पैरों से चल के बाहर आ रही है, चाली नगर के घर जा रही है, 13 को कांड होता है, 14 को चुप रहती है, 15 से चुप रहती है, 16 से चुप रहती है, 17 को बाहर आती है लंगड़ाते हुए। तो आम आदमी पार्टी जो वीडियो जारी कर रही है वो 30-30 सेकंड का क्यों कर रही है? तो देश नहीं देख रहा सलूजा साहब, आपके साथ कोई भी सलूजा साहब, सलूजा साहब, नाना जी आप मुझे सलूजा साहब की नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ना उनके सामने जिनके सामने गलती की, क्योंकि राणा नहीं चाहता आप हाथ जोड़े। 13 तारीख को डॉक्टर मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, 30-30 सेकंड का वीडियो जारी क्यों कर रहे हैं आप? पूरा वीडियो जारी कर दीजिए ना उस घटना का, 30-30 सेकंड के वीडियो में डिसाइड होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नाना जी मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। हाँ बिल्कुल लौटूंगा आप ही के पास आशीष जी। संजय सिंह ने कहा कि यहाँ बदसुलूकी हुई, संजय सिंह ने कहा कि मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री ले रहे हैं, संजय सिंह ने कहा कि वो विभव कुमार से नाराज हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल, ये सारी बातें झूठी जी। अब वो चुप नहीं रहेंगे इसलिए उनको माइक डाउन कीजिए वरना वो मुझे बोलने नहीं देंगे जी जी। अब इस समय जो है ना पूरा देश ये जानना चाहता है कि एक सीएम के आवास में, सीएम के ड्राइंग रूम में, सीएम की पार्टी के अपने एमपी के साथ जब ऐसी हरकत होती है तो सीएम चुप क्यों है? क्या वो इस बात से अनजान थे? अगर अनजान नहीं थे तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया? वो वैभव को संरक्षण क्यों दे रहे थे? वैभव को जब मीडिया ने लोकेट किया लखनऊ में उसके बाद से वैभव गायब क्यों हो गया? उसको जब एनसीडब्ल्यू ने 2 समन देके बुलाया वो वहां पे अपीयर क्यों नहीं हुआ? वो पुलिस थाने क्यों नहीं गया? वो अरविंद केजरीवाल के घर क्या करने चला गया? पुलिस ने उसको सीएम के आवास से क्यों गिरफ्तार किया? उसके पीछे पीछे राघव चड्ढा पुलिस स्टेशन क्यों पहुंच गए? 10 मिनट के अंदर पूरी आम आदमी का पार्टी का लीगल सेल वहां क्यों पहुंच गया? वहां के लेजिस्लेटर सिविल लाइन्स की वहां क्यों पहुंच गए? ये नेमिंग और शेमिंग जो है विक्टिम की करने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? जिस व्यक्ति को 20 साल से अरविंद केजरीवाल जानते हैं, जिसको राज्यसभा का एमपी बनाया, अचानक उसका करेक्टर असैसिनेशन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इतने सारे पहने सवाल हैं जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास ना है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर सबकी उम्मीदें थी कि अरविंद केजरीवाल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं तो वो स्वाति मालीवाल पर कुछ ना कुछ बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, पूरा मुद्दा ही घुमा दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर लेकर जो रटी रटाई लाइनें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं उन्हीं लाइनों पर रहे।
विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर स्वाति मालीवाल की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे संजय सिंह को या फिर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कराया गया, उसी तरह से विभव कुमार को भी गिरफ्तार कराया गया, यह आरोप उन्होंने लगाया। यानी कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने सीसीटीवी कैमरों का भी फुटेज जारी किया है सीएम हाउस के अंदर का, और जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए स्वाति मालीवाल किस तरह से सही सलामत आ रही हैं, बल्कि यही बदतमीजी कर रही हैं। जबकि रिपोर्ट यह कहती है एम्स की कि स्वाति मालीवाल की आंख के नीचे चोट है, बाएं पैर पर चोट है, पेट पर चोट है, तो फिर क्या यह रिपोर्ट झूठी है? इस घटना के दो दिन बाद संजय सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि सीएम हाउस में जो स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है वो निंदनीय है, इस मामले का संज्ञान केजरीवाल साहब ले रहे हैं, विभव कुमार से वो नाराज हैं। तो क्या रिपोर्ट झूठी, क्या स्वाति मालीवाल झूठी और क्या संजय सिंह भी झूठे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।